इसराइल पिछले एक महीने से हमास के साथ युद्ध लड़ रहा है। 1967 में 6 दिन के युद्ध में 3 देशों को एक साथ हराने वाला इसराइल अभी भी हमास से जीत नहीं सका है। गाजा पर जब इसराइल ने हमला किया तो हमास के आतंकियों की ओर से एक एंटी टैंक मिसाइल दागी गई। इस हमले में कम से कम 9 इजरायली सैनिक मारे गए थे। 7 अक्टूबर को शुरू हुए हमले के बाद से अब तक 350 से ज्यादा इजरायली सैनिकों की मौत हो चुकी है और ये दिखाता है कि हमास ने हथियारों का कितना विकास कर लिया है। एक समय था जब इजरायली सेना पर फिलिस्तीनियों की ओर से पत्थर फेंके जाते थे, लेकिन आज समय बदल गया है। इजरायली सैनिकों को लेजर गाइडेड मिसाइल और एंटी टैंक जैसे हथियारों का सामना करना पड़ रहा है। इजरायली डिफेंस फोर्स यानी कि IDF इस समय गाजा में मौजूद है। इजरायल हमास से उन जगहों पर लड़ रहा है जो भीड़ भाड़ वाले इलाके हैं, जहां अस्पताल, स्कूल और मस्जिद हैं। वहां से हमास की ओर से हमला हो रहा है। इजरायल का कहना है कि ये जगह सुरंगों से भरी हुई है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि इस युद्ध में हमास ने एडवांस हथियारों का प्रदर्शन किया है। कंधे से दागे जाने वाले रॉकेट, प्रोपेल्ड ग्रेनेड लॉन्चर और एंटी टैंक मिसाइलों जैसे उन्नत हथियार हमास के पास हैं। पिछले एक दशक से हमास कई देशों से हथियार सुरंगों के जरिए लाया है। गाजा के अंदर अंडरग्राउंड कारखाने में भी हमास हथियारों का निर्माण कर रहा है। इजराइल हमास के स्नाइपर राइफल, पैराग्लाइडर, RPG, चुंबक बम, ड्रोन, मिनी पनडुब्बी, लैंडमाइन, एंटी टैंक मिसाइलें और लंबी दूरी के रॉकेट पर बारीकी से नजर रखे हैं। हालांकि इतने हथियारों के बावजूद अभी भी हमास सटीकता के साथ हमला नहीं कर सकता है। IDF में फिलिस्तीन डिपार्टमेंट के पूर्व प्रमुख माइकल मिलशटीन ने कहा कि हमास के आतंकियों की संख्या 30,000 है और अब वो किसी आर्मी की तरह काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि कुछ भी हैरान करने वाला नहीं है। हमास के पास पहले भी हथियार थे, लेकिन इस बार उनकी संख्या हैरान करने वाली है। उनका कहना है कि आज का हमास काफी ताकतवर है। रिपोर्ट्स के मुताबिक पूर्व इजरायली खुफिया अधिकारी एवं मेलमेट ने कहा कि इजरायल को एक चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों का सामना करना पड़ रहा है। ये कोई गली का गैंग नहीं, बल्कि बड़े पैमाने पर हथियारों से लैस दुश्मन है। हमास की ओर से बड़ी संख्या में एंटी टैंक यूनिट को तैनात करना इजरायली बलों के लिए चिंताजनक है। इसलिए IDF अब सीधे लड़ने की जगह खुफिया जानकारी के जरिए ऐसे टारगेट की खोज कर रही है जिन पर हवाई हमला किया जा सके। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।